द हिंद वॉरियर न्यूज पर आपका स्वागत है। यहाँ हम उठाते हैं आपके आपकी आवाज सच के साथ। आज फतेहाबाद के किसानों के अंदर एक जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। वजह है लखीमपुर खीरी की वारदात। लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई है उसको लेकर के किसान संगठनों के अंदर जबरदस्त रोष है। किसान संगठन लगातार यहाँ फतेहाबाद के अंदर डीसी कार्यालय का घेराव करके बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्पष्ट कहना है किसानों का कि जिस प्रकार की जो ये घटनाक्रम हुआ है उसकी सरकार जो है, सरकार की जो मंशा है वो साफ नजर आती है, क्योंकि इतनी देर जो है वहां पर कार्रवाई में हुई और जिस प्रकार से जो घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद जो पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया, चाहे वो विपक्ष के नेताओं को वहां से वहां रोका जाना हो या लोगों को वहां ना आने जाने देने वाला हो, तमाम इन चीजों को लेकर के किसान संगठनों के अंदर रोष देखा जा रहा है। बड़ी संख्या के अंदर किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर एकत्र हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अभी कुछ ही देर के अंदर जो है यहाँ किसान जो है सरकार के नाम एक ज्ञापन डीसी के माध्यम से सौंपेंगे और उनसे उस ज्ञापन के माध्यम से जो है सरकार से मांग की जाएगी, जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा है या अन्य जो लोग हैं जो पूरे इस घटनाक्रम में थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ जो है मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये तमाम जो मांगे हैं। इसके बाद एक मांग और भी किसान लगातार कर रहे हैं, जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री का कल जो बयान आया था उसको लेकर के भी किसानों के अंदर रोष देखा जा रहा है। आइए हम कुछ बात करेंगे किसानों से, यहाँ पर किसानों को क्या कहना है, किसान क्या चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान साथी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे भी आज का जो धरना प्रदर्शन है किन मामलों को लेकर के है। आज का प्रदर्शन हमारा ये है कि यूपी के अंदर लखनऊपुर में जो किसान हमारे शहीद हो गए हैं उनके लिए प्रदर्शन है। उनको यूपी में सरकार ने राज्य मंत्री के लड़के ने 4-5 किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया, उनके शहीद हुए हैं उनके लिए ये प्रदर्शन किया गया है। उनको हमें न्याय दिलाएंगे और जब तक लड़ेंगे उनको न्याय ना मिलेगा जब तक हम लड़ते रहेंगे, हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी। देखिए किसानों का कहना है कि इनकी लड़ाई तब तक जारी रहने वाली है जब तक घटना के दोषियों को सजा ना मिल पाए। जब तक सजा नहीं मिलेगी और जो सरकार है उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक जो है किसान आराम से बैठने वाले नहीं है और लगातार इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ एक और किसान नेता भी है, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या मामला है और किन मामलों को लेकर। देखिए मैं चांदीराम कड़वासरा किसान संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। जो यूपी के अंदर लखीमपुर में जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है ये एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान पूरे भारत को चक्का जाम कर देगा। आज हमारा ये मकसद नहीं है कि खाली ज्ञापन देना, सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं डीसी के माध्यम से कि आप बाज आ जाएं, अधिकारियों को मुट्ठी में लेना बंद करें, वरना किसान बिल्कुल आपके जोश में रोश में है। किसान ये नहीं चाहता कि आर पार की लड़ाई हो। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक तो आज ये लगता था कि हरियाणा के अंदर आज ही आर पार की लड़ाई हो। क्यों खुद मुख्यमंत्री की जो भाषा है वो इस तरीके से यूज करने लग रहे हैं कि किसानों के ऊपर, किसान को लड़वाना चाहते हैं तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है और किसान उसकी ईंट से ईंट भी बजा देगा। तब तक 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक तो किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटा रहेगा। लखीमपुर में जो हादसा हुआ है किसानों का, उनकी मुआवजा देने के जब तक उनको 51-51 लाख रुपए मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं करते हैं और उनको एक एक घर को नौकरी नहीं देते हैं और वो जो जिन्होंने हादसा किया है जिस मंत्री ने, जो मंत्री के बेटे ने, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और 302 में पर्चा दर्ज होना चाहिए। किसान इसको एक मिनट बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे उसका कितना ही समय बर्बाद क्यों ना हो जाए, किसान चैन से बैठे नहीं। देखिए यहाँ किसानों का स्पष्ट रुख है, लगातार इनका कहना है कि जो जिस प्रकार से जिस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और उस घटनाक्रम में जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है ये इस तरह की इनकी लड़ाई जारी रहने वाली है और लगातार ये इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इनका भी यहाँ भी ये भी कहना है कि 1 बजे तक यहाँ इनका धरना प्रदर्शन है, उसके बाद संयुक्त मोर्चा जो है एक कॉल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो जिस भी माध्यम से जो नया मैसेज इनको देगी उसके हिसाब से जो है आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। किसान देखिए ये मुख्य गेट है लघु सचिवालय का और यहाँ लगातार घेर के बैठे हुए हैं, इस गेट के अंदर भी और इस गेट के बाहर भी तमाम। मैं कहूंगा एक बार स्थिति जी आप एक बाहर का थोड़ा दिखाइए नजारा, किस प्रकार से जो है पूरे रोड को ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ किसानों ने किस तरह से जो है लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और मांग की जा रही है न्याय की। यहाँ बुजुर्ग किसान
महिला किसान भी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ में कुछ जो है सियासी दल के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य तौर पर किसानों का ही जो है यहाँ चीज जो प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ और भी हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ जो है किस प्रकार से जो आगे की रणनीति जो है आगे बनाने वाले हैं किसान, किस प्रकार से आगे की जो रणनीति है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्या नया करेंगे। हम लगातार आपसे बात करवाएंगे किसानों की और किसान क्या चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ किसान नेता भी हैं जो लगातार इस मंच को संचालन कर रहे हैं, मंच का संचालन लगातार किया जा रहा है इनकी तरफ से। हम इनसे ही पूछेंगे कि आज का जो धरना प्रदर्शन है क्या मैसेज जो सरकार को देना चाहते हैं और क्या वजहें हैं जिन वजहों को लेकर के आप आज सड़कों पर उतरे हैं। वजह तो मेन दो है जी, एक तो सबसे बड़ी वजह है जो कल खट्टर ने बयान दिया है, अपने गुंडे तैयार कर रहा है किसानों को पिटवाने के लिए, तो वो सबसे बड़ी वजह। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हुए इतना घटिया बयान दे रहा है, हमें तो अपने खुद के ऊपर हमें जो है वो शर्म महसूस हो रही है कि जिस ऐसा मुख्यमंत्री के प्रदेश के हम सदस्य हैं। दूसरा, जो योगी सरकार ने निर्दोष किसानों को जो विरोध करके अपने घरों को जा रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री के बेटे ने उनको गाड़ी से कुचला गया है, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जब तक हमारा संयुक्त मोर्चा का अगला आह्वान आएगा उसके अनुसार अगर कितना लंबा चलाना पड़े उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। दूसरा, मैं कह देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को, आप अपने गुंडे तैयार करो, हम डरने वाले नहीं, हम पहले हाथ नहीं उठाएंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके गुंडे पहले करेंगे तो हम आपकी भाषा में जवाब देंगे, इसमें संकोच नहीं करेंगे। आप अभी क्या ज्ञापन देने वाले हैं, किसके नाम ज्ञापन सौंपेंगे? ये ज्ञापन डीसी साहब को जो है वो दिया जाएगा मुख्यमंत्री के, तो ये ज्ञापन हम सौंप रहे हैं, या तो सुधर जाओ, किसानों की मांगे मानो, नहीं तो ये हम जो है वो आपका नामो निशान है जो इलेक्शन से मिटा देंगे। देखिए किसान बिल्कुल आक्रोशित हैं, रोष है किसानों के अंदर, उनका स्पष्ट कहना है कि या तो सरकार उनकी मांगे मान ले या फिर जो लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे, किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे जथेबंदियां किसान संघर्ष समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। किसान देखिए आप जगह जगह जो है यहाँ किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से यहाँ से रुकना शुरू हो गए थे और अब लगातार किसानों का जमावड़ा यहाँ पूरी तरह से लग चुका है। यहाँ बड़ी संख्या अंदर किसान है और डिमांड एक ही है, इंसाफ, न्याय की मांग, न्याय चाहिए किसानों को, न्याय की मांग को लेकर के लगातार यहाँ दर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे साथ और किसान नेता भी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आज का जो धरना प्रदर्शन आपने कर रहे हैं यहाँ पर, धरना दिया हुआ है लगभग 14 के बाद, क्या मांगे हैं और क्या आपकी रणनीति आगे रहने वाली है? मांग ये है जी, कल जो यूपी में किसान शांतिपूर्ण किसान जो विरोध कर रहे थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और नरसंहार किया गया, जो उसने जलियांवाला बाग की यादवादी कांड की, ये हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उन मंत्रियों के और जो जिम्मेवार है वो अपराधी उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। और दूसरा, जो ये हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खट्टर ने जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय और छोटी सोच उससे उजागर हो रही है कि आप श्री भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, ये इनका आखिरी हथियार है। हम ये कह रहे हम शांतिपूर्वक ये आंदोलन करेंगे, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन आगे भी करेंगे और जीतेंगे इसको शांतिपूर्वक, हिंसा का हम जवाब अहिंसा से देंगे। इनके बहकाव में आकर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि हमारा भाईचारा खत्म हो और आगे की रणनीति। अब 1 बजे हमारे संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा की जो कॉन्फ्रेंस है उनमें जो अगला आह्वान आएगा उसके मुताबिक हम अगली कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। जब तक उन हथियारों को गिरफ्तार करके उनको गिरफ्तार ना किया जाए तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए किसानों का कहना है कि हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, अहिंसा के साथ काम करेंगे। और ये जो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे हमारे यहाँ पे किसान सभा के जो है नेता मनपुल डाका जी, लगातार आपको बता रहे थे कि क्या रणनीति क्या है और क्या किस प्रकार से आने वाले टाइम के अंदर क्या रुख ले सकता है ये किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को लगभग 10 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी जो है अभी भी लगातार चल रहा है। लखीमपुर खीरी की जो वारदात के बाद किसानों के अंदर, किसान संगठनों के अंदर एक बार फिर से रोष देखा गया है, गर्माहट देखी गई है। हरियाणा यूपी की सियासत के साथ साथ हरियाणा की सियासत भी लगातार गर्माहट पकड़ती जा रही है। देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग नेता और भी हैं यहाँ पर, किसान हैं और यहाँ भी ये भी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे हम पूछेंगे कि किसान
संगठन लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरदार तरजिंदर सिंह विल्ज दैलपुरा डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं भगत सिंह किसान संघर्ष समिति का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। जो ये बीजेपी जनसंघ के लोगों की जो सरकार बनी है, जनता ने बड़ी उत्साह से इनको ये शासनकाल दिया था कि शायद हो सकता जो हिंदुस्तान का कोई नया मोड़ लेके आएंगे, लेकिन जब से 2014 से इन्होंने सदा संभाली है तो हिंदुस्तान की जनता के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जनता को कुचलने का काम किया है, देश का की बर्बादी का कगार बना दिया है। तो जो हर आदमी को अपने संविधान के मुताबिक, जो हिंदुस्तान का संविधान बना है उसके मुताबिक अगर किसी वर्ग को ठेस पहुंचता है तो संविधान के अंदर उनको पावर दी है कि वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आए, वो सरकार का विरोध करें, काले झंडे दिखाएं ताकि उनकी आवाज को जो बुलंद किया जाए और सरकार की जो आंखें खुल सके। लेकिन जब से इन्होंने शासनकाल संभाला, जनता ने अपनी आवाज उठाई तो इन्होंने जनता को कुचलने का काम किया। जैसे यूपी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के राज्य मंत्री का जो लड़का है उसने किसानों छह किसानों की हत्या करी है, तो ये कह रहे हैं कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। जब कोई मर्डर होता है, कोई किसी का कत्ल करता है तो उसका बाई नेम पर्चा काटा जाता है, 302 का मुकदम बनाया जाता है। तो मैं ये सरकार को ये अपनी तरफ से ये जरूर कहूंगा कि ये जो मंत्री का लड़का है इसके ऊपर धारा 302 का मुकदमा FIR दर्ज की जाए, और 120 के अंदर इसका जो फादर मंत्री बना हुआ है 120 के अंदर इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके इनको जेल की सलाखों के अंदर दिया जाए। और जो हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने अपने बयानों का दुरुपयोग किया है वो एक निंदनीय योग है, मैं इसका विरोध करता हूँ। आज जनता ने खट्टर साहब को जो सजा दी थी, बड़ी उनकी भावना थी कि हमारा ये कुछ न कुछ दुख का साथी बनेगा, लेकिन ये डंडे उठाने का काम, लोगों को अकसा देने का काम। अगर शांतिपुर को एक किसान अपना धरना देते हैं तो उनके ऊपर ये उनको दबाने के लिए, उनके आवाज को दबाने के लिए ये उनको कुचलने का काम करते हैं, लड़ाई का काम करते हैं, तो इनके ऊपर तो धारा 307 का मुकदमा बनाते हैं। तो खट्टर साहब ने जो बयान दिया इसके ऊपर भी ये मुकदमा जरूर लगना चाहिए, FIR करनी चाहिए और पद से बर्खास्त करना चाहिए, इसको देखिए किसानों के अंदर किस प्रकार से रोष देखने को मिल रहा है। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम के दोषियों को जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, मुकदमे दर्ज किए जाए, आपराधिक मुकदमों के तहत उनको जो है जेल की हवा देनी चाहिए। देखिए अभी कुछ ही देर के अंदर जो है यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनका जो है यहाँ पर पुतला अभी जलाया जाएगा। किसानों की तरफ से जो है पुतला तैयार किया गया है, ये अभी थोड़ी देर में पुतला जलाया जाएगा और यहाँ अपना जो किसान विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए हैं। फतेहाबाद के अंदर ये लघु सचिवालय का मुख्य हाल है, मुख्य गेट है जहां पर ये किसान बैठे हुए हैं, पूरे गेट को घिरा हुआ है और गेट के अंदर और बाहर किसान बड़ी संख्या के अंदर मौजूद हैं। लगातार सुबह 10 बजे से यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी जो थोड़ी देर पहले ही यहां जो है किसानों का हुजूम लगातार उमड़ता नजर आया था और उसके बाद जो है यहां भारी भीड़ जो है किसानों की जमा हो गई है, दूर दूर तक किसान ही किसान यहां नजर आ रहे हैं और लगातार जो गेट को घेरा हुआ है और यहां बैठे हुए हैं। कल भी किसानों की तरफ से बीजेपी काडर का विरोध किया गया था और आज भी जो है एक बार फिर से जो है विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों का ये विरोध प्रदर्शन सरकार पर कितना एक असर छोड़ती है और सरकार इस प्रदर्शन को किस लहजे में लेती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे की अपडेट लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।